रामनवमी के पावन पर्व पर राजधानी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। श्री रामकृष्ण जयंती महोत्सव समिति ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित शोभा यात्रा को सूरजपुर अनाज मंडी से राम दरबार की आरती करके रवाना किया गया, जो जयपुर के अलावा मथुरा, वृंदावन, जुगल छवि, माखन लीला, भगवान राम की बाल लीला, अहिल्या, उद्धार, वन गमन की लीला और रामचरित मानस आधारित झांकियों से सुसज्जित होकर के निकाली गई। साथ में विभिन्न समाजों और सामाजिक संगठनों की झांकियां भी शामिल रहीं। इस दौरान राम भक्त और भजन मंडलियां की ओर से राम का गुणगान भी जारी रहा। शोभा यात्रा में भगवान विष्णु पुराण, राम के जीवन पर आधारित झांकियां हनुमान आकर्षण का केंद्र रहीं। यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया और मार्ग को भगवा पताकाओं से सजाया गया। शोभा यात्रा सूरजपुर अनाज मंडी से रवाना होकर के मुख्य बाजारों से होते हुए रामचंद्र के मंदिर पहुंची, जहां पर संत महंतों ने उनके सानिध्य में महाआरती हुई। वहीं पर शोभा यात्रा में पुलिस सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए, जहां पर जगह जगह पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री रामकृष्ण जयंती महोत्सव समिति ट्रस्ट की ओर से भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा सायंकाल 4 बजे सूरजपुर अनाज मंडी से पूज्य आचार्य चरण श्री त्रिवेणी धाम के संत श्री राम ऋषपाल दास जी महाराज, श्री गुसाई जी महाराज, श्री अंजन कुमार जी गोस्वामी जी महाराज, सुख संप्रदाय के पीठाधीश्वर श्री अलवेली माधुष्ण जी महाराज ने आरती करके इसको शुभारम्भ किया।